बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने ये खुलासा किया है कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में 200 बेड के लिए मैनिफोल्ड सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई को लगाया जाएगा, जिसके लिए सरकार से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल चुकी है। इसके साथ ही घुमारवीं में 25 बेड के लिए मैनिफोल्ड सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई लगी हुई है और पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से ये व्यवस्था की गई है और पीएसए प्लांट की मशीनरी भी घुमार में पहुंच चुकी है। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 140 एलपीएम है, जो 40 बेड को कवर करेगी। इसकी कीमत लगभग 30 लाख आंकी गई है। जल्द ही एक्सपर्ट टीम यहां आकर इस मशीनरी को स्थापित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जून माह के पहले हफ्ते में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले सांसद की ओर से 3-ply मास्क, N95 ग्लव्स, फेस शील्ड, पीपी किट, ऑक्सीजन मास्क, NRM, पल्स ऑक्सीमीटर व ऑक्सीजन रेगुलेटर भी भेजे गए थे और घुमारवीं के लिए ऑक्सीजन प्लांट मशीनरी भेजी गई है, जिसके लिए वे सांसद अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हैं। बिलासपुर में जो है मुख्यतः जो ऑक्सीजन सप्लाई युक्त जो बेड हैं उनसे जो जिन पेशेंट्स को हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था जो CHC घुमारवी है वहाँ पर, तो इन दोनों ही जगह पे जो है ऑक्सीजन प्लांट लगने प्रस्तावित हैं। और अब मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काफ़ी एडवांस स्टेज पे इनका कार्य चला हुआ है। जो रीजनल हॉस्पिटल हमारा बिलासपुर का है वहाँ पे 200 बेडेड जो है मैनिफोल्ड सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई का लगना है और प्रदेश सरकार द्वारा इसकी जो है स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक्सपेंडिचर सेंक्शन लगभग 1.25 crore रुपए की जो है वो प्रदान की जा चुकी है। साथ ही में जो ACC सीमेंट फैक्ट्री है बरमाणा में, इसने भी एक 40 बेडेड ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारे रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में देने के लिए स्वीकृत किया है। तो एक तरफ ये 200 बेड के लिए मैनिफोल्ड सिस्टम और साथ में 40 बेड के लिए जो है PSA ऑक्सीजन प्लांट, ये दोनों बिलासपुर के अस्पताल में जो सुविधा जो है शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जो CHC घुमारवीं हैं वहाँ पर ऑलरेडी 25 बेड्स के लिए पाइप सप्लाई जो है अभी मैनिफोल्ड सिस्टम है सिलेंडर्स के थ्रू वो दी जा रही है, पर यहाँ पर भी जो माननीय सांसद हमारे अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने एक PSA प्लांट की जो है मशीनरी जो है वहाँ पे पहुँचाई है और पिछले कल वो पहुँच भी गई है। तो शीघ्र ही अब वो जैसे ही टेक्निकल टीम आती है वहाँ पर भी जो है इसे स्थापित